हेलो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम जगदीप है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन डिफरेंस के प्रॉपर्टीज़ पे ठीक है ये वीडियो सीरीज जो है इसका नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और पिछले दो वीडियो से हम इन डिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पहले वो दो चेकआउट करना फिर आप इस वीडियो पर आना नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक तो चलते हैं लेक्चर में अब ये जो तीसरी वीडियो है या तीसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है इन डिफरेंस कर्व्स का ये कहता है कि इन डिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ठीक है मतलब दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे अब ये डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है हमारे इस पूरे सीरीज में हमारे दो जो दो कमोडिटीज़ थे वो थे चॉकलेट्स और पिज़्ज़ा स्लाइसेस तो हम उन्हीं पे एडमेंटली टिक जाएंगे दोबारा से और इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं एक रेड वाला जिसे मैंने लेबल कर रखा है आई और एक ब्लू वाला जिसे लेबल कर रखा है आई ठीक है अब आई सी वन पे हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं कौन कौन से हैं पॉइंट सी एंड पॉइंट ए इसे हम लिख लें सो आई सी वन पे कौन कौन से दो पॉइंटर्स हैं हमारे पास आई सी वन पे है सी एंड ए लाइक वाइज आई सी टू पे हमारे पास है पॉइंट बी और पॉइंट ए ठीक ये भी हम लिख लेते हैं आई सी टू पर हमारे पास पॉइंट बी एंड पॉइंट ए अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको इतना तो पता होगा अब तक कि हर एक आईसी कर्व पे जितने भी पॉइंट्स लाए करते हैं वो सारे पॉइंट्स कंज्यूमर को एक ही लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं दैट मीन्स कंज्यूमर को पॉइंट सी पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वही पॉइंट ए पे मिलेगी ऑन आई सी कर्व वन एंड जो सेटिस्फैक्शन उसे पॉइंट बी पे मिल रही है वही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसे पॉइंट ए पे मिलेगी ऑन आई सी कर्व टू ठीक है बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई पॉइंट ए जो है इस पर आई सी कर्व वन और आई सी कर्व टू इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे से तो इस क्रॉस का क्या मतलब निकल के आता है इस क्रॉस का मतलब निकल करके ये आता है कि ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ यहाँ पर और इसको हम यहाँ पे अब थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि जो यूटिलिटी है या सेटस्फैक्शन है पॉइंट ए पर इज़ इक्वल टू पॉइंट सी कहाँ पर आई सी वन में एंड पॉइंट ए की यूटिलिटी इज़ इक्वल टू पॉइंट बी कहाँ पर आई सी टू पर अब आपने अगर थोड़ा सा मैथ पढ़ा है तो एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी Which says a equals to b, b equals to c, then a is also equal to c, है ना तो इस रूल के हिसाब से आपकी जो लेवल ऑफ सेटिसफेक्शन है जो कंज्यूमर को लेवल ऑफ सेटिसफैक्शन मिल रही है इन दो पॉइंट्स पे वो एग्जैक्टली exactly इक्वल है इन दो पॉइंट्स पे है ना यानी कि लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ये मैं लिख देती हूँ दोबारा से लेवल ऑफ सैटिसफैक्शन इज सेम कहाँ पे आई सी वन में एंड आई सी टू है ना पर ये जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं हो सकती क्यों क्योंकि हर आई सी कर्व का अपना एक यूनिक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है क्या होता है यूनिक सेटिस्फैक्शन लेवल ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ये ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है क्योंकि हर आई सी कर्व का एक यूनिक सेट्सफैक्शन लेवल होता है ठीक सो so, मान लो अगर आई IC का आई वन का लेवल ऑफ़ सैटिस्फैक्शन है से हंड्रेड यूटल्स एंड आई टू का अगर है वन फिफ्टी यूटल्स ठीक है तो किसी भी सूरत में ए का जो सेट्सफैक्शन है वो बी से मिलेगा नहीं और ए का जो लेवल ऑफ सेट्सफैक्शन है वो सी से भी इक्वेट नहीं हो सकता है ना सो so, इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि जो सेट्सफैक्शन इस कंज्यूमर को सी पे मिल रहा है वो सेम लेवल ऑफ़ सैट्सफैक्शन उसको बी पे मिलेगा क्योंकि ये दोनों तो अलग लेवल ऑफ़ सैटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं ना बी पे तो भाई कंज्यूमर को 150 फिफ्टी का सेटिसफैक्शन है सी पे 100 यूटल्स का सेटिसफैक्शन है पर ए जो है वो कहता है कि कंज्यूमर को 150 भी मिल रहा है और 100 भी मिल रहा है तो ये जो चीज़ है ये बहुत वेग है और ये इन रियल वर्ल्ड इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक इसीलिए कोई भी दो इनडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते इसको समझने के लिए आपको एक इनडिफरेंस कर्व मैप समझ में आना चाहिए इनडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स एक साथ प्लॉटेड होते हैं एंड हर एक इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे ऊपर जाता है जैसे जैसे बढ़ेगा जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व में ऊपर मूव करते चले जाओगे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है यूटिलिटी का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होगा नंबर वाइज आई वन की लेवल ऑफ़ सेटिस्फैक्शन आई टू से कम है ठीक तो पॉइंट ए पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई हंड्रेड यूटर्स की सेटिस्फैक्शन इज़ इक्वल टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल इसीलिए कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ठीक इस चीज़ को समझने के लिए दो चीज़ें हमें याद रखनी होंगी पहली बात कि हर इंडिफरेंस कर्व का अपना यूनिक लेवल ऑफ़ सेटिस्फ़ैक्शन होता है एंड दूसरा हर एक इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी मिलती है या सेम लेवल ऑफ़ सेटिस्फैक्शन मिलती है तो अगर इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट होते हैं तो इनकी यूटिलिटीज़ जो हैं वो भी सेम हो जाएंगी जो कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर के पास इन्हीं दो कमोडिटीज़ के ज़्यादा क्वांटिटीज होंगे ज़्यादा यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज होंगे एंड इन दैट केस उसके पास लेवल ऑफ़ सेटिस्फैक्शन कभी भी कम नहीं होगा एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे ठीक आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगली प्रॉपर्टी के साथ में ठीक अगर आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना क्योंकि जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म होंगे ये पूरा सेगमेंट खत्म होगा मैं नोट्स और क्विजेस रिलीज करूंगी इन डिफरेंस कर्व अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल ऑलराइट तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय नाउ टेक केयर